नमस्कार, NIOS के D.El.Ed कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रिय शिक्षार्थियों, आज मैं आपसे पाठ्यक्रम संख्या 503, ब्लॉक 1, इकाई 3 अर्थात प्रथम भाषा अर्जन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर बातचीत करने जा रहा हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी बच्चे या बच्ची के जीवन की शुरुआत घरेलू या स्थानीय भाषाओं से होती है। अन्य शब्दों में इसे हम प्रथम भाषा भी कहते हैं, यानी जिस भाषा में बच्चे या बच्ची के जीवन की शुरुआत होती है वह कौन सी भाषा है, वह घरेलू भाषा ही प्रथम भाषा है। पर उस भाषा के साथ जैसे ही वे अपने स्कूल में दाखिल होते हैं, प्रायः उनकी भाषाओं के साथ दुराव का व्यवहार किया जाता है। बच्चा या बच्ची यह जानकर अचंभे में पड़ जाता है कि जिस भाषा में वह अपने घर में बातचीत कर रहा था, पिता से, माँ से, भाई बहनों से, नाते रिश्तेदारों से, जिस भाषा में वह गलियों में खेल रहा था, जिस भाषा में वह अपने पड़ोस के दोस्तों से बात कर रहा था, वह भाषा स्कूल में आकर अशुद्ध हो गई है। एक बारगी उसे घबराहट होती है। ऐसी घबराहट इसलिए होती है कि प्रायः उस प्रथम भाषा की भंगिमाओं के साथ विद्यालय प्रांगण में यह बर्ताव किया जाता है मानो वह भाषा एकदम अशुद्ध है। जबकि सच क्या है? सच तो यह है कि स्कूल में आने के पहले उसके पास घर में बोली जाने वाली भाषा के व्याकरण और उसकी भंगिमाओं की समझ हो चुकी होती है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए जिसमें स्कूल की भाषा सीखने के क्रम में उसकी भाषा के प्रति दुराव का नहीं बल्कि अपनाव का व्यवहार हो। अर्थात जिस भाषा में स्कूल में आने के पहले तक उसके जीवन का विकास हो चुका है, उस भाषा को विद्यालय परिसर के भीतर भी इज्जत दी जाए। लेकिन इज्जत देने का अर्थ या यह सरलीकृत निष्कर्ष न निकाल लिया जाए कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा के प्रति अपनाव का यह संदर्भ ग्रहण कर लिया जाए कि बच्चे या बच्ची को अशुद्ध भाषा या व्याकरण विरोधी भाषा बोलने की अनुमति है। यह समझ लेना चाहिए कि बच्चे या बच्ची के घर की भाषा के स्वीकार का मतलब मानक भाषा का अस्वीकार नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि कक्षाओं में घरेलू भाषा का व्यवहार करते समय उसका इस्तेमाल भाषाई व्याकरण और उसकी भाषा भंगिमा को सिखाने में पुल की तरह किया जाए। भाषा का काम महज भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, वह जीवन को समझने, उससे जुड़ने और जीवन जगत को प्रकट करने के लिए अनेक वृहत्तर आयामों को भी संभव करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भाषा की समझ के मुताबिक भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती बल्कि यह तो पूरी दुनिया को सोचने समझने का माध्यम है।
यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है। एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी आकार देती है। अपने दिन भर की तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, तर्क देते हैं, विश्लेषण करते हैं और चीज़ों से जुड़ते हैं। हम ये सभी काम भाषा के माध्यम से करते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाषा सिर्फ कहने और सुनने का ही नहीं, अपितु सोचने, समझने, अवलोकन करने, विश्लेषण एवं तर्क करने और जीवन को प्रस्तुत करने का काम भी करती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की तरफ इसी समय इशारा कर लेना जरूरी लग रहा है कि भाषा यह सब काम तो करती ही है, लेकिन किसी भी विषय पर वह स्वाधीन राय देने या प्रकट करने का काम भी करती है। इस लिहाज से अधिगम की दुनिया में प्रथम भाषा अर्जन का अत्यंत विशिष्ट महत्व है। फिर एक बार और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को याद कर लेना लाजमी होगा। पाठचर्या कहती है कि अपनी सहजात भाषिक क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतःक्रिया का अनुभव लेकर जब बच्चे या बच्ची स्कूल आते हैं तब उनमें अपनी भाषा या कई मामलों में अनेक भाषाओं में संवाद करने की क्षमता पूरी तरह विकसित होती है। वे केवल हजारों शब्दों के साथ स्कूल नहीं आते, बल्कि भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के नियम जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भी उनका पूरा नियंत्रण होता है। एक बच्चा न केवल सही सही समझना और बोलना जानता है, बल्कि वह अपनी भाषा या भाषाओं का उचित प्रयोग भी करता है। बच्चे व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे माँ से बात करने के लिए उसके पास अलग भाषा होती है, अपने दोस्तों से बात करने के लिए उसके पास एक अन्य तरह की भाषा होती है, स्कूल में जब वह दाखिल होता है तो अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से बात करने के लिए उसके पास एक अलग तरह की भाषा होती है। अर्थात बच्चों के पास स्पष्टता भाषा की जटिल संरचनाओं को ध्वनि प्रवाह के द्वारा अमूर्त करने की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। कक्षा में क्षमता को उच्च स्तर के संवाद तथा ज्ञान संवेदना के द्वारा विकसित करना ही प्रथम भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। पाठचर्या इस ओर इशारा करती है कि कक्षा 3 के बाद से मौखिक और लिखित माध्यमों से उच्च स्तरीय संवाद कौशल और आलोचनात्मक चिंतन के विकास के प्रयास हों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में होती हैं। कक्षा 4 के बाद अगर समृद्ध और रुचिकर मौके दिए जाएं, तो बच्चे या बच्ची स्वयं भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे या बच्ची की घरेलू भाषा के प्रति सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। यह स्वीकार करें कि गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, यानी गलतियां भाषा सीखने के दरमियान होती हैं, ऐसा एकदम स्वाभाविक है। और बच्चे या बच्ची जब इस लायक हो जाएं, तो वे स्वयं उसमें सुधार कर लेते हैं। गलतियां और कमियों पर ध्यान दिए जाने की बजाय अधिक समय बच्चों को विस्तृत, रुचिकर
और चुनौतीपूर्ण निवेश किए जाने चाहिए। अर्थात प्रथम भाषा अर्जन के समय यह बात याद रखनी चाहिए कि जिस व्याकरण की समझ बच्चे या बच्ची को घरेलू भाषा का इस्तेमाल करते समय हासिल हो चुकी होती है, उसके सृजनात्मक विकास का माहौल विद्यालय परिसर के अंदर विकसित किया जाए। बच्चे या बच्ची के साथ यह बात ध्यान देने लायक है कि वह आम तौर पर दो कौशलों के साथ विद्यालय में दाखिल होता है, यानी जो भाषाई कौशल सुनना और बोलना है, यह कौशल स्कूल आने के पहले बच्चे के पास एक हद तक विकसित हो चुकी होती है। अब विद्यालय परिसर में भाषा कौशल के बाकी दो पहलू सीखने की ज़रूरत होती है, यानी सुनना और बोलना के बाद पढ़ना और लिखना। यहीं यह याद रखना चाहिए कि सुनना और बोलना जो भाषिक कौशल है, उसमें भी परिष्कार के लिए माहौल विद्यालय उपलब्ध कराता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी प्रथम भाषा अर्जन के ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है कि बच्चे या बच्ची जिस भाषा संपदा के साथ विद्यालय में दाखिल हुए हैं, उन्हें पर्याप्त विकसित होने का मौका विद्यालय परिसर के भीतर दिया जाए, ऐसे माहौल का निर्माण किया जाए जिस माहौल में खुलकर बच्चे या बच्ची अपनी कल्पनाओं, अपनी तार्किक क्षमताओं और अपनी सृजनात्मकता का विकास कर सकें, किसी विषय पर या किसी बात पर वे स्वाधीन राय देने की सामर्थ्य हासिल कर सकें। स्वाधीन राय के लिए यह ज़रूरी है कि उसके साथ आत्मीय व्यवहार का रिश्ता अपनाया जाए। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रथम भाषा अर्जन का ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यह कि मानव शरीर की जैविक अनुकूलता किस तरह की है। आइए यह समझने का प्रयास करें कि प्रथम भाषा अर्जन में मानव शरीर की जैविक अनुकूलता के क्या मायने हैं। प्रथम भाषा अर्जन के संदर्भ में कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना जरूरी है। इनमें एक महत्वपूर्ण संदर्भ है भाषा के लिए मानव शरीर की जैविक अनुकूलता। प्रिय शिक्षार्थियों, मानव जाति की जैविक संरचना भाषा सीखने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है, उसे सुन सकता है तथा ध्वनियों को समझ सकता है। दुनिया भर के सभी भाषा भाषी इन्हीं अंगों की सहायता से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। बोलना और प्रथम भाषा अर्जन पर पहले विचार करें। आप देखिए, ध्वनियों के उच्चारण में मनुष्य के शरीर के कौन से अंग काम करते हैं। आइए इस पर विचार करें। ध्वनियों के उच्चारण में मुख्यतः फेफड़ा, स्वरयंत्र, ग्रसनी और मुंह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः बोलने के दौरान हवा इन अंगों से होती हुई बाहर निकलती है। अब आप देखिए सृष्टि के अन्य जीवों और मनुष्य में क्या फर्क है। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा मानव स्वर यंत्र की बनावट काफी सरल होती है। सरलता किस अर्थ में? सरलता इस अर्थ में कि मानव शरीर में भाषा के लिए जिन अंगों का इस्तेमाल होता है, उन अंगों की विशेषता यह होती है कि उनसे हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलने में सक्षम होती है। मनुष्य के स्वर यंत्र की एक दूसरी व्यवस्था भी होती है। एक वयस्क मानव का स्वर यंत्र वयस्क चिंपैंजी या 3 माह के मानव शिशु के स्वर यंत्र से काफ़ी नीचे स्थिर होता है। हालांकि
स्वर यंत्र के नीचे होने के कारण मनुष्य को भोजन करते समय सांस रुक जाने के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके नीचे होने से क्या फायदा होता है? फायदा यह होता है कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए ग्रसनी में जीभ के पिछले भाग को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। इसी तरह मुंह भी ध्वनियों के उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। मुंह के विभिन्न अंग स्पष्ट उच्चारण में सहायक होते हैं। इनमें खास तौर पर बने ओठ, दांत, जीभ और जबड़ा का उल्लेख संभव है। आइए यह समझने का प्रयास करें कि प्रथम भाषा अर्जन के संदर्भ में क्या समझने की क्रिया का कोई विशेष संदर्भ हो सकता है। आइए समझें। भाषा की समझ के लिए मनुष्य का मस्तिष्क निहायत ही अनिवार्य अंग है। अन्य बहुत जानवरों की तरह मनुष्य का मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है। निम्न भाग को मस्तिष्क और उच्च भाग को मूर्धा या प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क स्तंभ, जो कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, सांस और धड़कन को नियंत्रित करते हुए शरीर को जिंदा रखता है। प्रमस्तिष्क हालांकि जीवन के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन जीव को उनके परिवेश से जोड़ने में सहायता करता है। प्रमस्तिष्क भी दो प्रमस्तिष्कीय अर्धवृत्त में बटा होता है, बायां अर्धवृत्त और दायां अर्धवृत्त। भाषा संबंधी कार्यकलापों के निर्माण करने और विकसित करने में मानव मस्तिष्क की बनावट श्रेष्ठ होती है। समझ के विभिन्न धरातलों के निर्माण की दृष्टि से मानव मस्तिष्क की संरचना अद्भुत है। अर्थात भाषा सीखने में मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क की बनावट का बहुत बड़ा योगदान है। यह उसे अन्य पशु पक्षियों या जानवरों से अलग ताकत देने में सफल होता है। आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि प्रथम भाषा अर्जन में परिवेश की क्या भूमिका है। प्रिय शिक्षार्थियों, तकरीबन 4 साल का बच्चा या बच्ची घरेलू भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने लगता है या लगती है। इस विकास में परिवेश की केंद्रीय भूमिका होती है। परिवेश का मतलब यह हुआ जिस वातावरण में बच्चा या बच्ची बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है। परिवेश के अंतर्गत उसके घर का माहौल, उसके मोहल्ले का माहौल, उसकी सड़क का माहौल या घर में चलने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों का माहौल या घर में बोली जाने वाली भाषा का माहौल, खेल के मैदान का माहौल या वे सभी पहलू जो उसके आसपास हैं शामिल होते हैं। यानी घरेलू भाषा या प्रथम भाषा के धारा प्रवाह बोलने में परिवेश की केंद्रीय भूमिका होती है। भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक मानवीय पूर्वानुकूलता निर्मित करने में एक भाषा समृद्ध परिवेश, जैसे देखभाल करने वाले वयस्कों द्वारा बच्चों का उनसे बात किया जाना, बच्चों के आसपास वयस्कों की अपनी बातचीत, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाना, गीत गाकर सुनाना, दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना, संगीत सुनाना, टीवी दिखाना आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही भाषा सीखने की एक उपयुक्त और निश्चित आयु भी होती है। यह आयु, ध्यान दीजिए शिक्षार्थियों, यह आयु मुख्यतः 2 से 14 साल तक की होती है। इस उम्र में बच्चे सहजता से भाषा सीख लेते हैं। आप यह बात समझ चुके होंगे कि भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका के अध्ययन क्रम में हमने अनेक बातों को समझ लिया।
इस क्रम में एक दूसरा प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या बच्चे बच्ची अपनी घरेलू भाषा को बच्चों का अनुकरण करके सीखते हैं? अनेक अध्ययनों एवं अवलोकनों से यह पता चला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि बच्चे बड़ों की बातचीत को सुनकर उनका अनुकरण करके और बड़ों द्वारा कराए गए भाषिक अभ्यास को केवल रटकर ही बोलना सीखते तो कुछ निश्चित और सीमित वाक्य ही बोल पाते। बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया पर सुधार और अभ्यास प्रक्रिया या उद्दीपन और प्रतिक्रिया का बहुत कम ही प्रभाव होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए बहुत सारे और विविध प्रकार के वाक्यों को सुनने की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा के जीवन में विविध संदर्भों में बड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूपों और बच्चों से बड़ों की बातचीत का प्रथम भाषा अर्जन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, यहाँ यह बात समझने का प्रयास करें हम लोग कि जो परिवेश होता है उसमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि वह स्वाभाविक परिवेश हो, अर्थात कोई भी भाषा रटकर नहीं सीखी जा सकती है। प्रथम भाषा अर्जन तो हरगिज नहीं, रटकर दुनिया की कोई भाषा सीखना संभव ही नहीं है, क्योंकि रटे हुए शब्द, रटे हुए वाक्य, रटे हुए संदर्भ की व्याप्ति अत्यंत सीमित होती है। साथ ही उसमें भावनाओं की ऊष्मा नहीं होती है, उसमें हस्तक्षेप या स्वयं के उपस्थित होने की ऊर्जा निहित नहीं होती है। असल में भाषा वही कारगर मानी जाती है जिसमें कोई बच्चा या बच्ची अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त कर सके, अपनी ज़रूरतों के बारे में ठीक तरह से बातचीत कर सके, अपनी इच्छाओं को ठीक तरह से रख सके, यानी जीवन के जो विविध संदर्भ हो सकते हैं उसमें अपनी भाषा के द्वारा वह खुद का समायोजन करने में सक्षम हो। उसी तरह यह भी समझ लेना चाहिए कि व्याकरण की कोई भी किताब बेहतर भाषा के प्रयोग की गारंटी नहीं दे सकती है। असल में व्याकरण या शब्दकोश की दुनिया में संदर्भ जब तक शामिल न हो तब तक उसका असर किसी भाषा अर्जन के रूप में पढ़ना संभव नहीं है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए हमको यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस स्वाभाविक भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए उसमें भाषा सीखने के दरमियान पर्याप्त गतिविधियों का समायोजन हो। गतिविधियाँ वे होनी चाहिए जो बच्चे या बच्ची के परिवेश से संबंधित हो। उसमें भाषा सीखने के क्रम में कविता का इस्तेमाल संभव है, भाषा सीखने के क्रम में नाटक का इस्तेमाल संभव है, भाषा सीखने के क्रम में कक्षा में वार्तालाप की स्थितियों की उपस्थिति का नियोजन संभव है। उसी तरह जीवंत माहौल के बिना या जीवंत परिवेश के बिना या इन परिवेश से संबंधित गतिविधियों को शामिल किए बिना प्रथम भाषा अर्जन संभव नहीं है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए बजाय व्याकरण की किताबों या शब्दकोश के उदाहरणों की उपस्थिति कराने के यह ज़रूरी है कि बच्चे या बच्ची के जीवन से संबंधित गतिविधियों के आधार पर उसके भाषाई कौशल यानी प्रथम भाषा अर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जाए। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रथम भाषा के महत्व को बखूबी समझा। आपने यह देखा
कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, आपने यह समझा कि प्रथम भाषा कहते किसे हैं, आपने यह भी समझा कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसके मस्तिष्क की बनावट किस तरह उपयुक्त होती है, आपने यह भी समझा कि यह भाषा रटकर नहीं अर्जित की जाती है, इसे अर्जित करने के लिए एक स्वाभाविक वातावरण की ज़रूरत होती है, आपने यह भी समझा कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए गतिविधि आधारित भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि प्रथम भाषा अर्जन से संबंधित विविध पहलुओं से आप परिचित हुए, आपने इस संवाद से लाभ लिया। धन्यवाद। नमस्कार।